40 दिन के लिए पैरोल के लिए उन्होंने कहा है, उनका राइट बनता है, उसको अगर हम नहीं देंगे कोर्ट जाके दे देता है। जेकर गल करिए डेरा सच्चा सौदा दी गद्दी बारे, तां डेरा सच्चा सौदा कहिए या फिर साबका डेरा सच्चा सौदा मुखी कहिए, राम रहीम नूं लै के एक वड्डी खबर सामने आई है, क्योंकि हनीप्रीत तां विराजमान कर दित्ती है डेरे दे सिंघासन ते, परिवार भी राम रहीम दा सारा बाहर जा चुका है, पर हुण एक बार फिर तो एक वड्डा झटका यह है कि राम रहीम नूं फिर तो पैरोल मिल सकती है। हरियाणा दे जेल मंत्री दा एक वड्डा बयान सामने आया, सो देखो सारे कि उनके बाबा जी बाहर आएंगे या फिर नहीं। परिवार के मेंबर ही उठाते हैं, एक सिस्टम है जेल का, जब भी किसी कोई आदमी जेल में आता है तो उसके घर के मेंबर उसके लिए पैरोल देते हैं, जो उसका राइट बनता है। अब इसका जो नियम है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट जेल से वो रिकमेंड करेंगे, घर वाले उन्हें एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद वो उस पर जाएगी, जो कमिश्नर हमारे होंगे, जो उस कमिश्नर के इंचार्ज हैं, तो कमिश्नर साहब पे जाएगी, वो देंगे। मेरे ख्याल में एप्लीकेशन आई है 40 दिन के लिए पैरोल के लिए उन्होंने कहा है, अब कमिश्नर उस पर करके क्या भेजते हैं, जैसे ही हमें आएगी हम देना, क्योंकि उनका राइट बनता है, उसको अगर हम नहीं देंगे कोर्ट जाके दे देता है। देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कमिश्नर सब जगह का व्यू पॉइंट लेता है, पहले परिवार से पूछा जाता है कहाँ जाना चाह रहे हैं, फिर क्योंकि बाबा का मामला है इस करके हमें सिक्योरिटी बड़ा एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिस करके हमें सारी व्यवस्थाएं देख के उन्हें देनी पड़ती है, पर पहले उनकी च्वाइस होती है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं।